6 जुलाई को जम्मू के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए झाजनवाला के कमांडो प्रदीप नैन शहीद हो गए थे, जिसके बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। इसी बीच परिवार को सांत्वना देने सीएम नायब सिंह सैनी शहीद प्रदीप नैन के घर पहुंचे और परिवार से मिले। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। हरियाणा सरकार पूरी तरह से शहीदों के परिवारों के साथ खड़ी है। देखिए प्रदीप एक परिवार के अंदर जिस प्रकार की उन्होंने बात बताई है, एक बहुत ही साहसी और मजबूत जवान था। एक ऑपरेशन में आतंकवादियों से लड़ते हुए वो देश के काम आया है। हमें तो दुख है, परिवार को भी दुख है। परमपिता परमात्मा से हम ये प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, जो परिवार को, मित्रजनों को, रिश्तेदारों को जो दुख लगा है उसको सहन करने की शक्ति दे। क्योंकि ये जवान प्रदीप नैन इस भारत भूमि की रक्षा करते हुए उसने अपनी कुर्बानी दी है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिनको इस प्रकार की कुर्बानी जो इस भारत माँ के रक्षा के लिए देते हैं, और सरकार पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। और मुझे भी दुख है कि इस प्रकार का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि अकेला ही बेटा परिवार में था। और क्योंकि बहुत सारी स्थितियाँ इस प्रकार की होती हैं कि प्रदीप जी आज इस देश के काम आए हैं, मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। तो हमने पीछे घोषणा की थी 1 करोड़ रुपया वो परिवार को देने की बात कही थी, और क्योंकि जो शहीद जो इस देश के नाम जिन्होंने अपनी जान दी है, जो कुर्बान हुए हैं, सरकार ने निर्णय लिया कि ऐसे परिवारों को 1 करोड़ रुपए की सहायता की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ झाजनवाला गांव की पंचायत ने सीएम को मांग पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया कि गांव में शहीद के नाम से एक स्टेडियम बनाया जाए, जिसके लिए पंचायत गाँव में जमीन देगी। नरवाना से गुलशन चावला, पंजाब की सीटीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।